हेलो व्यूवर्स, आज हम करेंगे इस वीडियो में संज्ञा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, ठीक है। तो संज्ञा है हिंदी ग्रामर। किसी व्यक्ति, व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्राणी कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, ये क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया। अब वस्तु क्या होता है? वस्तु क्या, जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल, ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का मतलब कोई भी जगह, मतलब दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, ये जगह हो गया, ठीक है, मतलब ये स्थान हो गया। भाव मतलब क्या होती है? फीलिंग, मतलब जैसे कि प्यार आ रहा है, मिठास है, ममता, ये सारी चीजें क्या है? ममता, नाम वाली ममता नहीं, वो जैसे कि माँ के दिल में बहुत ज्यादा ममता होता है, वो वाली ममता, ठीक है। भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, देखो एग्जांपल देख सकते हो आप, श्याम, मोहन, दिल्ली, आम, मिठास, गाय और आदि, ठीक है। ये सारे क्या है? ये संज्ञा की क्या है? एग्जांपल है, ठीक है। श्याम जो है खाना खा रहा है। श्याम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो श्याम क्या हो गया? ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। श्याम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। अमरुद में मिठास है, मतलब अमरुद मीठा है, तो अमरुद क्या हो गया? अमरुद एक फल का नाम है। ये तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? फल का नाम है, ठीक है। घोड़ा क्या है? घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा एक क्या है? एक पशु का नाम है, ठीक है। घोड़ा किसका नाम है? पशु का नाम है। अब संज्ञा की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? आप देख सकते हो, संज्ञा की पहचान क्या है, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है, कुछ संज्ञा शब्द क्या होते हैं? प्राणीवाचक होते हैं, और कुछ तो होते हैं अप्राणीवाचक। अब प्राणीवाचक मतलब क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग है, ठीक है, जो मतलब मनुष्य है वो प्राणीवाचक होते हैं, ठीक है। और अप्राणीवाचक हो जाएंगे, जैसे कि टेबल, चेयर, फोन, बुक, ये क्या हो गए? ये सारे अप्राणीवाचक हो गए, ठीक है। जिसके अंदर प्राण नहीं है उसको क्या कहते हैं? अप्राणीवाचक। और जिनके अंदर प्राण है उसको क्या कहते हैं? प्राणीवाचक कहते हैं। कुछ शब्द गणनीय होती है, तो कुछ शब्द अगणनीय। तो कुछ शब्द को क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं। कुछ शब्द को हम क्या करते हैं? काउंट कर सकते हैं ना, जैसे कि नोटबुक रखी हुई है, 10 नोटबुक रखी हुई है, हमने नोटबुक को काउंट करके हमने 10 पता कर लिया कि हाँ 10 नोटबुक है। और आपके पास मैं रख देती हूँ पानी, ठीक है, तो एक पानी, दो पानी, तीन पानी तो करोगे नहीं, उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ संज्ञा ऐसी होती है जिनको हम गणनीय, मतलब गणना कर सकते हैं, और कुछ संज्ञा ऐसी होती है जिनका हम गणना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको आ गया होगा समझ अच्छी तरह से कि कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है, तो कुछ अप्राणीवाचक, ठीक है। प्राणीवाचक वो होते हैं जिनके अंदर प्राण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राणीवाचक। और अप्राणीवाचक किसको कहते हैं? जिनके अंदर जान नहीं होते हैं, मतलब प्राण नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अप्राणीवाचक। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था, गणनीय, जिनको हम गणना कर सकते हैं, मतलब काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम गणनीय कहते हैं। और अगणनीय, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? अगणनीय कहते हैं। अभी मैंने आपको संज्ञा बताया, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप पीछे देख सकते हो। प्राणीवाचक संज्ञा, अब क्या है प्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। वे शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको, क्या बताया मैंने आपको अभी? वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु, मतलब सजीव मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग है ना, उसी को कहते हैं सजीव वस्तु। अब ये ऐसा नहीं है कि प्राणीवाचक हम है, जैसे कि अब एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गया, ये सारे क्या है? ये प्राणीवाचक ही होंगे, ये अप्राणीवाचक नहीं होंगे। वो भी है, मतलब वो क्या, मतलब वो भी सजीव है, ठीक है, तो उसको भी हम प्राणीवाचक में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अप्राणीवाचक में रख दोगे, नहीं रखोगे उसको,
ठीक है, वो भी एक सजीव है। मतलब प्राणीवाचक मतलब क्या बताया था, जिसके अंदर प्राण होता है उसको अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जिससे किसी वस्तु सॉरी किसी वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो जिसमें प्राण हो उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब कोई लड़का खड़ा है उसको मैंने बोल दिया लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया आदि। ठीक है, उपरोक्त सभी में प्राण है, इन सभी में मतलब कि अब रमेश, रमेश किसी लड़के का नाम होगा, अब उस रमेश के अंदर जान है ना, प्राण है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम प्राणीवाचक कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अप्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञा जिस वस्तु में प्राण ना हो वे अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब प्राणीवाचक है ना उसका बिल्कुल अपोजिट कर लो, प्राण है तो प्राणीवाचक, प्राण नहीं है तो अप्राणीवाचक। ओके, तो जिस वस्तु में प्राण हो उसको हम क्या कहते हैं प्राणीवाचक, और जिन वस्तु में प्राण ना हो वे क्या कहलाते हैं अप्राणीवाचक। ठीक है, जैसे मेज हो गई, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत आदि। उपरोक्त शब्दों में प्राण नहीं है, अब इन शब्दों में देखो मेज हो गया, रेलगाड़ी हो गया, मकान हो गया, इनमें प्राण है नहीं है ना प्राण, तो इसको हम क्या कहेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे गणनीय। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं, गणनीय संज्ञा जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है। गणना की जा सकती है या उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वे सब क्या कहलाते हैं गणनीय संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पेंसिल रख दिया। ठीक है, पेंसिल रखने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे तो एक पेंसिल है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेंसिल रख दिया। ठीक है, पेंसिल रखने के बाद हमने काउंट किया तो सपोज करो निकला कितना, 5 पेंसिल रखा है मैंने, 10 पेंसिल रखा है या 20 रखा है या 2 रखा है, तो आप काउंट करके पता कर सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पानी पानी को गिरा मतलब गिरो दिया। ठीक है, पानी को गिराने के बाद मैंने अब उसको काउंट करना चालू किया, काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसको अगणनीय कहेंगे, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम गणनीय संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब लड़का एग्जाम्पल देखो, लड़का, लड़का को हम काउंट कर सकते हैं तो इसको हम गणनीय कहेंगे। पुस्तक, पुस्तक को भी काउंट कर सकते हैं। भवन, गाय, केले आदि, इन सबको काउंट कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे गणनीय संज्ञा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अगणनीय संज्ञा जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, पानी, हवा, मित्रता आदि, इनको आप ज्ञात कर सकते हो नहीं कर सकते ना। अब दूध, दूध तो ऐसे आप जाओगे दुकान पे गए और आपने बोला दूध दे दो, ऐसे तो नहीं बोलोगे एक दूध दे दो, दूध दो, दूध दे दो, आप ऐसे बोलोगे ना एक लीटर दे दो ऐसे बोलोगे, या दूध दे दो ऐसे बोल सकते हो। नहीं तो आप क्या एक दूध दो दूध, दुकान वाला भी बोलेगा क्या ये पागल लड़का है, ये पागल लड़की है आ गई यहाँ पे दूध लेने के लिए। ठीक है, तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसको अगणनीय कह सकते हैं, मतलब जिनको हम गणना नहीं कर सकते उसको अगणनीय कहते हैं, जिनकी गणना हम कर सकते हैं उसको हम गणनीय कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर प्राण होता है उसको प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जिनके अंदर प्राण नहीं होता उनको हम अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपने तो अच्छे से पहचान लिया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम संज्ञा के भेद करेंगे। ओके?